back to my channel and welcome to another video. आज की video होने वाली है Amazon shopping haul. तो मैंने अभी recently Amazon India से काफी सारी shopping की है और मेरे पास यहाँ पे mixed of product हैं, मतलब kitchen related चीजें भी हैं, skin care related हैं, घर से related हैं, home decor और कुछ electronic भी. So this video is gonna be a mix of everything and anything that I've shopped from Amazon recently because of Christmas आ रहा है, New Year's आ रहा है. So I needed some things around the house. So I'm gonna be sharing everything with you guys in this video. All the links and everything are gonna be in the description box in case you are interested in purchasing any of these for yourself. Please go ahead and check the description box. Also, अगर Instagram पे मुझे नहीं follow कर रहे हो तो please go ahead follow me there because वहाँ आपको सारी latest of personal or private information मिलती है मेरे बारे में. अगर आप जरा से भी interested हो मेरी life में, if you wanna be friends with me, go follow me on Instagram because I make sure I reply to each and every DM that you guys send there. Also, इस video के comment में जो भी comment छोड़ेगा, मैं उसका सबका reply करने वाली हूँ personally. So please go ahead do that. And अब इस intro को और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और video की शुरुआत करते हैं. So let's get started. हॉल में से निकाल लेते हैं जो कि है ये. अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो और आपने मेरे लास्ट ईयर वाले वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मैं ये वंडर शेफ का जितने भी बर्तन आते हैं ना, बेसिकली वो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. मैंने एक नया सेट मंगाया है फिर से. सो व्हेन आई वेंट टू इंडिया द लास्ट टाइम आई ऑर्डर्ड द सेम सेट बट इन अ डिफरेंट कलर और वो मेरा अच्छा खासा एक डेढ़ साल लास्ट किया यहाँ पे. नॉन स्टिक सेट की पूरे मतलब रेंज संजीव कपूर की. एंड सो आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि अब मैंने सोचा अब उसको अपग्रेड करते हैं और नया लेके आते हैं. सो आई गॉट दिस वन दिस टाइम दिस कलर. इससे पहले मेरे पास ऑरेंज शेड था बट दिस वन इज वेरी रेड इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो इट कम्स विथ दिस वॉक ओवर हियर. यहाँ पे आगे इनकी वंडर शेफ की ब्रांडिंग हुई हुई है. अंदर ये पूरा नॉन स्टिक होता है. इसका हैंडल भी काफ़ी अच्छा है और इसके ऊपर सिलिकॉन ग्रिप होती है तो ये गर्म नहीं होता. एंड यू नो इट इज़ ईजियर टू वर्क अराउंड इन द किचन. इफ़ यू आर समवन हु इज़ लाइक मी, जिसको ज़्यादा खाना बनाना पसंद नहीं है बट फिर भी बनाना पड़ता है और ऐसी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हैंडी आती हैं, स्पेशली नॉन स्टिक चीज़ें मैं बहुत बहुत यूज़ करती हूँ. मतलब मैं मोस्टली इन्हीं सारे बर्तनों को यूज़ करती हूँ अगर मुझे कुछ भी बनाना होता है. एंड साइज़ भी दो लोगों के हिसाब से इनफ है तो इसमें अच्छा खासा बन जाता है सब कुछ. एंड ऑल्सो ये सारे बर्तन इनके इंडक्शन बेस पे भी चल जाते हैं. यहाँ मेरे पास इंडिया स्टाइल की गैस नहीं है, मेरे पास इंडक्शन यू नो कुकटॉप है तो मेरे को बहुत सोच समझ के शॉपिंग करनी पड़ती है अपने बर्तनों की. एंड द थर्ड थिंग दैट कम्स इन दिस पैक इज अ नॉन स्टिक डोसा पैन. अब मैं इसको सिर्फ डोसा के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, मैं एक्चुअली इसको रोटी से लेके सब चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करती हूँ बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है. बट एक चीज़ हो गई, जब ये पार्सल आ रहा था ना यहाँ पे, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, इसकी थोड़ी सी नॉन स्टिक कोटिंग यहाँ से उतर गई है शिपिंग के टाइम पे. बट किसी और की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो शिपिंग में आना जाना हो जाता है. बट इट्स ओके, नेवर माइंड. आई एब्सोल्युटली लव माय न्यू कुकवेयर सेट. आई एम सो ग्लैड मैंने खरीद लिया और वापस से पार्सल आने लग गए हैं यहाँ पे मेरे पास ताकि मैं ऐसी बेसिक चीज़ें जो मुझे अच्छी इंडिया में ही मिलती हैं मैं वो ले सकूँ. अनदर किचन आइटम, बिकॉज हम अभी किचन की ही बात कर रहे हैं, दीज टू बाउल्स. आई नो वेरी रैंडम बट मुझे ना ऐसे अच्छे बोरोसिल वाले बाउल्स चाहिए थे, कई बार सर्व करने के लिए और कई बार खाने के लिए. मेरे को बहुत पसंद है ऐसे बुद्धा बाउल टाइप चीज़ें बना के खाने के लिए. मतलब आई मिक्स एवरीथिंग इन वन बाउल एंड जस्ट ईट इट बिकॉज इट्स वेरी हैंडी. एंड मैं बस एक बाउल लेके ही मुझे जाना होता है, ये नहीं कि इतनी सारी चीज़ें, प्लेट, कप्स, कटोरी, चमचे, मतलब आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी. एंड ऑल्सो बिकॉज आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ हमें कोई हेल्प नहीं मिलती है, सारे काम खुद करने पड़ते हैं तो बर्तन भी उतने ही अपने आप धोने पड़ते हैं. तो मुझे लगता है जितने कम बर्तन गंदे हों उतना अच्छा. इसलिए ये मेरा आलसी वाला एक ट्रेट है जिसके लिए मैंने ये खरीदा है बिकॉज आई वॉन्टेड अ गुड बाउल. एंड आई गॉट अ सेट ऑफ टू बाउल्स. एक ये बड़ा वाला है, आई थिंक
पता नहीं 1 लीटर या 1 लीटर की कैपेसिटी का है, माइक्रोवेव सेफ है, डिशवॉशर सेफ है और ब्रेक रेजिस्टेंट है, बोल तो रहे हैं बट मैं इसको पटक के ट्राई नहीं करने वाली हूँ। बट आई एब्सोल्युटली लव हाउ ब्यूटीफुल दिस लुक्स। व्हाइट कलर का है और इसके ऊपर ना ये पूरे ऐसे बॉर्डर पे बड़ी सुंदर से ऐसे पेस्टल फ्लावर्स बने हुए हैं एंड इसी का सेम छोटा वाला बाग भी है यहाँ पे। सो व्हाइट कलर का और उस पर ये काफ़ी अच्छे एंड मैंने खरीद लिए। बट आई थिंक ये एग्जैक्ट ये वाले तो अब आउट ऑफ स्टॉक हैं बिकॉज मैं अमेजोन पे लिंक्स चेक कर रही थी, मुझे नहीं मिला। बट इससे सिमिलर मिलता जुलता मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो आप वो चेक करना। अनदर थिंग दैट आई गॉट इज माय वैसलीन बॉडी लोशन। आई एब्सोल्युटली लव दिस ग्रीन वाला वैसलीन, क्यूकम्बर एलोवेरा वाला, पेटेंट है हमारे घर में, एक सालों से चलता आ रहा है। गर्मियाँ आई और हमारे घर पे ये आया, ऐसे ही सर्दियाँ आई तो हमारे घर पे पेयर्स का वो साबुन आता था ना, ब्राउन गोल्डन सा, वो थोड़े टाइम के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता था। आई विल पॉप द पिक्चर हियर, अगर मुझे वो मिल गई तो आई एम श्योर मिल ही जाएगी। तो वैसे ही होता है कि गर्मियाँ मतलब वैसलीन का ग्रीन वाला लोशन और नाइसिल पाउडर, सर्दियाँ मतलब पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम एंड पेयर्स का साबुन। तो मेरी अपनी यादें मैंने अपनी ताज़ा की हैं और मैंने ये ग्रीन वाला वैसलीन का बड़ा वाला लोशन मंगवाया बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव दिस। इसकी स्मेल भी ना काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी हाइड्रेटिंग होता है। अब इसी बात पे हम इसको लगा भी लेंगे अपने हाथ पे, इतनी अच्छी सूदिंग सी स्मेल होती है। आई एब्सोल्युटली लव दिस। और इसके ऊपर फिर आप टॉप अप कर लो अपना सनस्क्रीन, दैट इज हाउ आई लाइक टू यूज इट। सो या माई ग्रीन वैसलीन लोशन, इट स्मेल्स अमेजिंग। Another random thing, let's talk about random things first and then मैं आपको कुछ hair products दिखाऊंगी जो मैं काफ़ी excited हूँ use करने के लिए। Let's talk about a random thing, is this clove oil. Okay, now hear me out. So कुछ दिनों से मेरे दांत में like wisdom tooth में काफ़ी दर्द हो रहा है and मैं dentist के पास भी गई थी and I have been told that I have to get it extracted. But your girl is too scared of getting the tooth extracted. तो मैं अभी जितने देसी नुस्खे हो सकते हैं ना मैं वो कर रही हूँ कि मैं जितना टाल सकूँ वो extraction उतना मैं टाल दूँ। इसलिए अभी मैंने ये clove oil मंगाया because my mom told me कि clove oil लगाने पे अगर दांत का कोई दर्द होता है, दांत का या gums का, वो थोड़ा सबड्यू हो जाता है और वो चला जाता है। एंड मैंने तो इसका रिजल्ट देखा है इसीलिए ये आपको मैं इस वीडियो में दिखा भी रही हूँ। ये मैंने अमेजोन से ही खरीदा है। सो इन केस यू नो यू आर समवन जो कि इसी सेम बोट में मेरे साथ सेल कर रहा है, दांत और गम्स के दर्द से भुगत रहा है, देन ट्राई क्लोव ऑयल। वो काफ़ी जलता है शुरू में जब आप लगाते हो, बट यू नो वॉट, वो वाला जलन इज आई एम श्योर वे बेटर देन गेटिंग द टूथ एक्सट्रैक्टेड और वो गम्स फूल जाएंगे। एक हफ्ते का पूरा वो प्रोसेस है। ओ गॉड, आई एम टू स्केर्ड। आई नो इवेंचुअली मुझे कराना ही पड़ेगा बट मैं जितना अवॉइड कर सकती हूँ मैं उसको अवॉइड करने वाली हूँ। नाउ अनदर थिंग आई गॉट आर दीज कैंडल वैक्स बर्नर। सो ये कैंडल वैक्स हैं एक्चुअली, ये दो वेरिएंट में मैंने मंगवाई हैं, एक है पाइनएप्पल और एक है प्लम। सो इसमें क्या होता है ना, मैं कैंडल वैक्स बर्नर की यहाँ पे पिक्चर इंक्लूड करती हूँ। आपको उसमें नीचे टी लाइट कैंडल लगानी होती है और ऊपर ये वाला एक वैक्स का क्यूब रख देना होता है। तो वो जब नीचे से टी लाइट कैंडल जलती है ना और ये वैक्स मेल्ट होती जाती है और क्योंकि ये फ्रेग्रेंट होती है तो ये पूरे घर में वैसी स्मेल आ जाती है जिस भी वेरिएंट का ये होता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यू गाइस जो भी मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं सेंटेड कैंडल्स और ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत अच्छी स्मेल करती है ना उसके लिए बहुत एफर्ट्स डालती हूँ अपने घर में। हर कोने में मेरे घर के, इवन बाथरूम से टॉयलेट तक में, ऐसी कोई ना कोई आपको खुशबू वाली चीज़ मेरे घर पर मिल जाएगी अगर आप कभी आओगे तो। मैं बाथ एंड बॉडी वर्क्स की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। पता नहीं उनके ऐसे वैक्स क्यूब्स आते हैं कि नहीं, बट ये मुझे अमेजोन पे दिखे एंड आई कुडंट रेजिस्ट तो मैंने ये ले लिया है। एंड ये है पाइनएप्पल एंड ये है प्लम एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू यूज दिस। अच्छा, अब आ जाते हैं हेयर केयर पे जो मैं आपको बता रही हूँ, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और एक्चुअली मेरी अमेजोन की शॉपिंग इसी प्रोडक्ट से शुरू हुई थी, वो करते 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 ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा कार्ट में ऐड हो गई। बट जो मेन चीज़ मैंने खरीदनी थी वो दो आइटम्स हैं, मैं अभी दिखाती हूँ। एक तो है ये सेंट बोटानिका का बायोटीन एंड कोलाजन हेयर मास्क। ये इस मास्क के बारे में ना मैंने इतने रिव्यूज पढ़े हैं, सुने हैं, इतने इसके बारे में अच्छी चीज़ें लोगों ने कही हैं,
कि आई वॉज लाइक आई हैव टू ट्राई दिस. और ये यू नो आउट ऑफ स्टॉक था काफ़ी टाइम के लिए. बीच में कभी आता था तो एकदम एक बार आया एंड देन उसके बाद ख़त्म. यू नो काफ़ी मुश्किल हो रहा था मेरा मेरे को इसको एक्चुअली परचेज करना अपने लिए. बट समहाउ आई मैनेज टू डू इट. तो ये है सेंट बोटानिका का हेयर मास्क बायोटिन एंड कोलाजन. और इसके इससे अपेरेंटली आपके बाल जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, हेयर फॉल में जो होती है उसको कम करने की कोशिश करता है और सिल्की एंड सॉफ्ट तो बनाता ही है. सो अभी आप देख रहे हो ये ब्रांड न्यू पैकेजिंग है, इसके ऊपर अभी प्लास्टिक भी लगा हुआ है, मैंने ये उतारा भी नहीं है. और लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको यूज़ करने के लिए, फाइनली मुझे ये मिल गया है. इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं. ये क्रुएल्टी फ्री है, नेचुरल और प्योर ऑयल से बना है, कोई पैराबेन नहीं है, सारे प्योर एक्सट्रैक्ट्स हैं इसके अंदर और कोई मिनरल ऑयल भी नहीं है. दिस वन इज फॉर 599 रुपीज फॉर दिस 200 ml प्रोडक्ट. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी तो आप वो देख सकते हो. और अगर इसका रिव्यू चाहिए तो थोड़े टाइम के बाद बताऊंगी जब मैं यूज कर लूंगी. Now another thing that I wanted to buy from Saint Botanica only is their Moroccan Argan Oil. So this is the hair oil जो कि again काफ़ी अच्छा है बालों के लिए और काफ़ी hair growth में help करता है और hair thinning की problem को reduce करता है Argan Oil. और इसके भी काफ़ी अच्छे reviews थे Amazon पे और भी कई सारे you know blogs में मैंने पढ़ा था. So I thought I may as well just combine these two एंड सी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे बालों में कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं. ये वाला ऑयल भी थोड़ा एक्सपेंसिव है. आई मीन मैं तो इसको एक्सपेंसिव में बोलूंगी कि 600 रुपए में अगर आपको 200 ml प्रोडक्ट मिल रहा है और ये आपको मिल रहा है आई गेस 899 रुपीज में, मतलब 900 रुपए में 200 ml हेयर ऑयल, विच इज अ बिट एक्सपेंसिव. बट अगर बालों को ये अच्छा बना देता है, मेरे हेयर फॉल को रोकता है, तो इट इज एब्सोल्युटली वर्थ इट फॉर मी. यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ. बट मेरे लिए, मैं हेयर केयर में ना कभी भी पैसा इन्वेस्ट करने से डरती नहीं हूँ, बिकॉज आई डू एक्सपेरिमेंट अलॉट विद माई हेयर, आई यूज हीटिंग टूल्स अलॉट एंड वेरी ऑफन. तो मुझे ऐसा लगता है कि उतना ही मुझे बालों का ध्यान भी रखना चाहिए. एंड मेरे नेचुरली भी बाल बहुत थिक हैं, ये नहीं मतलब लंबे तो हैं बट थिन है, क्योंकि मेरी जीन्स ही वैसे हैं, मेरी नानी के वैसे थे, मेरी मम्मी के वैसे हैं. तो यू नो वो वैसा ही हमारी फैमिली जीन में ही है कि बाल थोड़े पतले ही हैं मेरे. बट स्टिल आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट अलॉट एंड इसलिए मैंने ये पूरी सेंट बोटानिका की रेंज मंगाई है एंड आई एम एब्सोल्युटली एक्साइटेड टू ट्राई दिस. मेरे को लगता है 1-1.5 महीना तो मेरा ये चल जाएगा और उसके बाद फिर मैं आपको रिव्यू बताती हूँ कि ये कैसा है. अनदर थिंग, अब आ जाते हैं, थोड़ा मेकअप भी है मेरे पास एक दो जो मैंने मंगवाया है. बट उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ फेक नेल्स, स्टिक ऑन नेल्स जो मैंने मंगवाए हैं फ्रॉम अमेज़न. दीज आर ब्लैक इन कलर, मैट ब्लैक कलर में है ये वाले और इसके ऊपर स्टिकर है एक्चुअली ऑलरेडी. तो मेरे को बस पीछे से पील करना है स्टिकर और ये स्टिक कर लेने हैं. ये मेरे को ऐसे देखने में तो लग रहा है काफ़ी बड़ा साइज है और मैं इतने बड़े नेल्स नहीं लगाती हूँ. बट आई एम गोना इवेंचुअली ट्रिम एंड यू नो शेप देम अकॉर्डिंग टू माय लाइकिंग एंड आई एम एक्साइटेड टू सी कि अमेज़न के ये स्टिक ऑन नेल्स कैसे चलते हैं. मैं अभी तक काफ़ी अच्छे यू नो स्टिक ऑन नेल्स यूज़ करती आ रही हूँ. बट मुझे लगा कि अगर वैसा ही कोई अच्छा ऑप्शन मुझे कम पैसों में अमेज़न से मिल रहा है तो आई शुड गिव इट अ ट्राई एंड दैट इज व्हाई दिस वन इज हियर. ओके, अब आ जाते हैं कुछ मेकअप की चीज़ों पे. ना ये एक्चुअली अमेज़ॉन से नहीं है, ये नायका से है दो चीज़ें. और बट बिकॉज मैं ये हॉल शेयर कर रही हूँ तो इसमें मैं इंक्लूड कर ही देती हूँ. पहली चीज़ तो फाइनली मैंने मंगवा ली है अपनी नायका की मैटलिशियस लिप क्रेयॉन इन द शेड नेक्स्ट लेवल न्यूड. ये मेरी गो टू लिपस्टिक है. दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक. मैं आपको अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो ना तो आपको पता होगा कि मैं हर वीडियो में, हर एक वीडियो में यही लिपस्टिक लगाती थी. ये मेरा परफेक्ट न्यूड शेड है और मैं इसको इतना ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इतना ज़्यादा यूज़ करती हूँ कि बस कोई मतलब कोई इसका है ही नहीं. मेरे को अभी तक कोई इसका तोड़ नहीं मिला है. बट हाँ, अभी रिसेंटली क्या 2 सालों से, जब से ये कोविड के चक्कर में बॉर्डर बंद थे और मैं ये नहीं ले पा रही थी नायका से, बिकॉज नायका इंटरनेशनल शिप नहीं करता है, तो मैं बाम कॉस्मेटिक की कमिटेड शेड यूज़ कर रही थी जो कि अभी भी मेरे लिप्स पे लगी हुई है. बट आई एम
glad कि अब मेरे पास दो nude lipsticks हैं जिनके बीच में मैं switch कर सकती हूँ. This is the perfect shade for my skin type and I absolutely, absolutely love this. So मैंने finally एक ये मंगवा ली है. And then I got this Nykaa Lips Don't Lie lip liner in the variant birthday suit. Now I don't know ये कैसा है, but ये काफी ज़्यादा next level nude से मिलता जुलता था. So I thought I may as well just give it a try and इसको देखेंगे लगा के. मैंने अभी इसकी packaging भी नहीं खोली है, so I don't know ये कैसा दिखने वाला है, but let's try this out. तो ये है जी आपका birthday suit lip liner. काफी अच्छा लग रहा है, मैट है और मेरी स्किन से जाता हुआ भी दिख रहा है, मतलब काफी अच्छा मैच हो रहा है मेरी स्किन से. एंड दिस इज द यू नो नेक्स्ट लेवल न्यू, तो मेरे को लग रहा है काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ये दोनों आपस में चलेंगे. इनफैक्ट अगर मैं इसको खाली एक लिपस्टिक की तरह भी यूज करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ पूरे लिप्स से फिल करके, बिकॉज दिस इज अ प्रिटी शेड. ओके, आई एम टू एक्साइटेड टू यूज दीज टू. Now another thing that I got is from Plum, but ये मैंने खरीदा नहीं है, ये Plum ने मुझे भेजा था. इसके साथ भी और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मुझे भेजी थी from their skincare range, but वो यहाँ पर मैं नहीं include कर पाऊँगी. But जो चीज़ें मैं आपको अभी दिखा सकती हूँ वो है Plum का ये all day wear kohl kajal. Now I am not someone who is a big फैन ऑफ काजल्स, मैंने कभी काजल नहीं लगाया, मुझे लगता है मेरी आंखों पे सूट नहीं करता, बट मैं इसको आईलाइनर की तरह यूज करने वाली हूँ. एंड यू नो दैट इज व्हाई आई एम हियर, इट इज हियर. थैंक यू Plum फॉर सेंडिंग दिस एंड यू नो अदर स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऑल्सो. और इसके साथ साथ ये Plum का ही शार्पनर आया है टू शार्पन दिस, सो आई एम एक्साइटेड टू यूज दिस एज एन आईलाइनर, बिकॉज मैंने इसके काफी अच्छे रिव्यूज सुने हैं कि ये काफी लास्ट करता है और यू नो अच्छा स्मज प्रूफ है और अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी कि वो एक बार में लग जाता है और कलर भी काफी अच्छा है. सो वी विल सी. एंड फाइनली लास्ट चीज जो मैंने अमेज़न से मंगवाई है इज द इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसकी मैं बात कर रही थी, इज दिस न्यू नोकिया G10. ना ये मेरे पास एक्चुअली दो फोन हैं यहाँ पे, एक ऑस्ट्रेलिया वाला नंबर और एक मेरा इंडिया वाला नंबर. एंड इंडिया वाला नंबर इज व्हाट आई यूज टू यूज फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड एनी थिंग. तो उसके लिए मुझे एक फ़ोन चाहिए था, मेरा पुराना सैमसंग खराब हो रहा था, सो आई गॉट दिस वन इन दिस ब्यूटिफुल पर्पल शेड. ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और मेरे एक सेकेंड फ़ोन की तरह, मतलब एक बेसिक सेकेंड फ़ोन जिसमें सारे फीचर्स हैं उसकी तरह भी अच्छे से काम करता है ये. और पर्पल कलर है तो ये तो मेरा फेवरेट कलर होना ही था, सो इट इज वेरी वेरी नाइस दैट आई गॉट. अब मैं इसको, मेरे को लगता है करीब 20 दिन हो गए मुझे इस फोन को यूज करते हुए, और जितने इसके बेसिक फीचर्स हैं ना वो सब मेरी मतलब चीज में परफेक्ट फिट बैठते हैं. इसकी बैटरी लाइफ से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ. दैट इज वन थिंग दैट आई हैव टू मेंशन हियर कि अच्छा खासा अगर मैं इसको एक बार फुल डे चार्ज कर दूंगा तो ये 3-4 दिन तक इसको चार्ज करने की ही जरूरत नहीं पड़ती है. द गुड ओल्ड नोकिया इज बैक इन माई लाइफ. पता नहीं कितने सालों से मैं सैमसंग यूज कर रही हूँ और नोकिया का तो हमने छोड़ ही दिया था, बट फाइनली ऑन माई ब्रदर्स रिकमेंडेशन दिस इज बैक इन माई लाइफ. एंड अच्छा फोन है, मैं इसको अपने प्राइमरी फोन की तरह शायद ना यूज करूँ क्योंकि मुझे काफी ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ती है और यू नो कैमरा और ये वो मैं काफी चीजें देखती हूँ, बट एक सेकेंडरी फोन के लिए ये परफेक्ट है. मेरे सैमसंग से डेफिनेटली ये बड़ा एक अपडेट है. वो वाला सैमसंग छोटा था और उसमें काफी जगह भी नहीं आती थी, बट इसमें अच्छी खासी स्पेस है. इसमें लिखा भी है 3 दिन की इसमें बैटरी लाइफ है और 6.5 इंचेस की स्क्रीन है. फिंगर टच है तो उससे यू नो खुल जाता है, बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है, सारी चीजें. गूगल से भी इसको मैं अपने कनेक्ट कर सकती हूँ, मेरे पास गूगल होम है घर पे. एंड अच्छा बेस्ट थिंग मुझे पता है इसकी क्या लगी, कि ये ऑलरेडी एक इसके ऊपर एक तो ये स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ आया था, आपको पता नहीं आपको दिख नहीं रहा है, बट इसके ऊपर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है, मुझे खरीदना नहीं पड़ा. एंड देन ये इसका ना एक ये प्लास्टिक केस भी इसके साथ ही आता है, इसके ऊपर मैंने प्लास्टिक केस लगाया, ये भी इसके साथ फ्री आया था. मतलब दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड द अदर डे एंड आई वाज लाफिंग कि नोकिया से शुरू होता है तो नोकिया सब कुछ देता है, कि आप अपना फोन भी लो, हमारा प्रोटेक्टर भी लो और हम आपको स्क्रीन गार्ड वगैरह सब कुछ और कवर वगैरह सब देंगे. सैमसंग पे जाओ तो सैमसंग कहता जी आपको बस हम फोन देंगे, और आईफोन पे जाओ तो वो कहेगा कि बस हम आपको फोन देंगे, आप चार्जर भी अपना खरीदो, ईयरफोन्स भी अपने खरीदो. सो वो धीरे धीरे अलग अलग ब्रांड की अलग अलग चीजें चलती जा रही है. बट आई वॉज रियली एक्साइटेड कि नोकिया ने यू नो ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है. पता नहीं लोग क्यों
हमने क्यों बंद कर दिया? आई हैव नो आइडिया. नोकिया के फोन जहां तक मुझे याद है, इसको फेंक भी दोगे जमीन पे 100 बार गिरेगा तो भी टूटता नहीं था. ऐसा मेरा एक पहले नोकिया का फोन, मेरा नहीं एक्चुअली पापा का फोन हुआ करता था. बट या दिस वॉज इट यू गाइज. ये मैं अब ज्यादा एक अलग ही डायरेक्शन में चली गई हूँ, मैं बहुत बातें कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पे बंद करती हूँ. और ये था मेरा अमेजोन का नया हॉल आप लोगों के लिए. ये सारी चीजें मैंने मंगवाई, अगर आप कुछ भी लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो अगर ऐसी और मेरी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें आपको देखने में इंटरेस्ट है. ऑस्ट्रेलिया देखने में इंटरेस्ट है, मैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की चीजें दिखाती रहती हूँ. अगर मैं कहीं जा रही हूँ, कहीं मैं आ रही हूँ, कोई इवेंट हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो वहाँ वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा. बट या विद दैट, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. अगर लगी तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताना. और बाय द वे, वो जो गिव अवे आ रहा है, जो चल रहा है मेरे चैनल पे, अगर आपने अभी तक नहीं उसमें पार्टिसिपेट किया है तो करो. मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. सरोजनी नगर की वीडियो बनाई है मैंने, उसमें उस गिव अवे के सारे डिटेल्स हैं. आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका नाम मेरी वीडियो के कमेंट में लिख के जाए कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं. और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे वाले दिन मैं लाइव आऊंगी अपने यूट्यूब चैनल पे और वहां पे दो विनर पिक करूंगी जिनको मिलेगा 1000 रुपीज ईच का मिंत्रा गिफ्ट कार्ड. सो आई विल बी द सांता दिस क्रिसमस इन योर लाइफ. सो कम जॉइन मी एंड आई विल सी यू ऑन क्रिसमस डे. नाउ टिल देन यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑफ योर लव्ड वंस. आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम. बाय.